लगा लेते हैं। अभी हमने ये हेयर बैंड वगैरह लगा लिए, अब बाल तो फेस पे नहीं आ रहे। तो स्टेप वन, मॉइस्चराइज। चिन पे, फॉरहेड पे, फुल फेस को हम मॉइस्चराइज करेंगे। सो गाइस, हमारा स्टेप वन मॉइस्चराइजिंग हो चुका है। सबसे पहले स्टेप तो ये है, इसको निकालना है। इसको निकालती हूँ मैं अपने हाथ पे। अभी स्टार्टिंग विद कंसीलर वर्क। आई एम गोना अप्लाई दिस अंडर आईज। मैं कम से कम मेकअप प्रोडक्ट्स में आपको अच्छा से अच्छा मेकअप प्रोडक्ट मेकअप करना सिखाना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन बी एबल टू टीच यू गाइस। एंड इसको लेके जाना है अंडर आईज में, अप्लाई करते जाना है। आई फील लाइक आपको डिफरेंस थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है। एंड नाउ इट्स अ बिट क्लियर। फेस थोड़ा सा डार्किश डार्किश दिख रहा होगा, बट दैट्स नॉट द नेचुरल लुक। ये इतना डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको इतने पे सेट कर रखा है अभी के लिए। अंडर आईज पे अप्लाई करेंगे, दोनों साइड में ही अप्लाई कर लेना है। ये हमारा फाउंडेशन या लिक्विड वाला, दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ कंसीलर। क्योंकि मैं सोचती हूँ मीन लाइक कम ही प्रोडक्ट यूज़ करके हम ज़्यादा वर्क कर लें, तो ओ माय गॉश इट्स सेफ, ऑल राइट। उसको ऐसे अंडर आईज में काफ़ी मोटा मोटा दिख रहा होगा अभी आपको। अभी मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अंडर आईज पे ही लगाना है, डैब डैब करके वगैरह वगैरह जैसे जैसे करके लगाना है। इसको अभी हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में अंडर आईज पे। उसको ऐसे एक आईज के एक आई के अंदर नीचे का मैंने कर लिया है ब्लेंड। एक आँख छोटी कर ली है मैंने, दूसरी को भी छोटी कर लेते हैं। उसके सेकेंड स्टेप थी ये हमारा कंसीलर का, यहाँ वो हो गया। एंड देन इस पर यहाँ से हमने फेस पाउडर लगा लिया, आपको दिख रहा होगा। एंड मैंने इसको अंडर आईज पे सेट करने के लिए स्टार्ट किया। एंड देन ये हो गया, इस आई का एकदम जल्दी से सेट हो जाता है। मैंने फाउंडेशन लिया डायरेक्टली चिन वगैरह वगैरह पर, जैसे लगाते हुए स्टार्ट करना है। फर्स्ट मैंने जॉ लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से इसको स्कूप कर लेनी है आइसक्रीम की। इसको नोज पे अप्लाई करना है, चीक्स पे अप्लाई करना है, चीक बोन पे, अपनी पे मीन्स आपकी पे, आपको अपनी पे करना है, मैं अपनी पे करें। चीक बोन पे एंड नेक्स्ट फॉरहेड पर। एंड देन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको ब्लेंडिंग करने से, जो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी करना, बहुत मज़ा आता है मेरे को ब्लेंडिंग करने में। सही में यार, ब्लेंडिंग करना इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ डूइंग मेकअप यार। सो स्टार्टिंग विद द आई मेकअप, सो हम स्टार्टिंग विद द डार्क शेड। हम इस डार्क शेड को पूरे आई पे अप्लाई कर लेंगे पीछे। सो इस ब्रश से लगाने के बाद, ब्लेंडिंग ब्रश है ना, इससे हल्का सा हल्का हल्का ऐसे ऐसे इस पर ब्लेंड करना है। इससे ब्लेंड करने के बाद फिर से हमें अपने एक और डार्क शेड को लेना है, उसको हम अपने इस वाले पार्ट पर लगाएंगे ऐसे देन ऐसे देन। सो गाइस, अभी ना मैंने डार्क शेड यहाँ पे लगाया है, लेकिन ये स्किन टोन का एक शेड है इसमें। सो इस स्किन टोन वाले शेड को मैं आँख आईब्रोज के नीचे लगाना स्टार्ट करूँगी इस जगह पे। सो ये वाला मैंने ब्रश लिया है एक और, एकदम फ्लैट है ये और ऊपर से एजी है। और इस फाउंडेशन को लिया मैंने, अपने ब्रश पे ले लेना है, अच्छे से ले लिया मैंने। फिर इसको अपनी आई के ऊपर लगाना है स्टार्ट करना। इस जगह पे मैंने अपने फेस पाउडर से इसको सेट किया है एकदम प्यार से आराम से। अब अपनी फिंगर है, ये फिंगर है मेरी, दिख रही होगी, इसको इस पर लेके ना हल्का सा ग्लिटर अपनी आई पे लगा लेते हैं। एंड आई मेकअप अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी मैं आपको दूसरी आई करके फिर मिलूँगी। सो गाइस, दोनों आईज का मेकअप मैंने कर लिया है, अभी हम लोग इसको लेंगे। एंड देन हमने दोनों कलर के ब्लशेस पे लगाएंगे ऐसे ऐसे। एंड देन इसको डस्टिंग मीन्स, यहाँ पे मेरे पास दो कलर है, एक है पर्पल मैजेंटा टाइप कलर एंड एक रेड है, और रेड मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन ऑल्सो मैं दोनों लगाने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब चीक्स को मेरे रेड कर दिया, एकदम मस्त बना डाला।
एंड देन फिर से मैंने यही दो शेड्स लिए हैं इस जगह पे ऐसे करते हुए, एंड देन इधर की साइड में भी ऐसे ही करेंगे हम अपने फ़ैन ब्रश की हेल्प से। मेरे को पता नहीं, फ़ैन ब्रशेस भी बहुत अच्छा लगता है, अपनी नोज़ पे भी हल्का हल्का इसको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और अभी हम लिपस्टिक लगाएंगे ये वाली, इस लिपस्टिक में से ना एकदम मस्त खुशबू आती है। आईलैशेस कर्ल करनी रह गई हैं, मस्कारा लगाना रह गया, लाइनर लगाना रह गया। देखती हूँ मैं लाइनर लगाऊंगी या नहीं, आई एम नॉट इन अ वाइब। अभी ना अपनी आई के काफ़ी पास में ले जाके ना इसको प्रेस कर दिया एंड इसको दबा के रख देना, दबा के। मैं इसको हीट करके नहीं यूज़ करती क्योंकि ये बिना हीट के ही मेरी आईलैशेस को कर्ल कर देता है। मस्कारा माय फेवरेट पार्ट इज मस्कारा, मेरे को मस्कारा लगाना सही में बहुत मस्त लगता है। व्हाइल डूइंग मेकअप मस्कारा इज माय फेवरेट पार्ट, सो लोअर लैशेस पे भी लगा लेते हैं। अभी ना एकदम इसको क्लोजली देख के अपनी ब्रोज पे काम करना है हल्का हल्का दोनों ही साइड में। ये इसकी हेल्प से ना हम इसको परफेक्टली काम कर पा रहे हैं। वैसे तो मेरे पास ब्रो का काम भी है। अपनी आँख के पास रख के अपनी आँख पे लाइनर लगाएंगे। सो गाइस लाइनर लगाना इज़ अ बिट हार्ड फॉर मी। सो गाइस मेकअप इज डन, डन डन डन, बाय बाय, मिलते हैं।